इस सीरीज़ में मुकम्मल पूरे रमज़ान हम रोज़ाना एक पारे का खुलासा उसकी मुख्तसर तफसर मुख्तसर वजाहत आपके सामने पेश करेंगे आप तमाम अहबाब से गुज़ारिश है कि अपने आप को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं ताकि आपके लिए प्रोग्राम नहायत ही फ़ायदा मंद हो जाए के दिन सबसे पहला पारा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुरान मजीद कुरान का मतलब है पढ़ना वो चीज़ जिसको बार बार पढ़ा जाए उसको कुरान कहा जाता है क़ुरान मजीद अल्लाह रब्लम की किताब है अल्लाह ने इसका इंट्रोडक्शन इसका तारफ़ ख़ुद अपनी ज़बान से करवाया सूरत शुआरा में फरमाते अल्ला फरमाते हैं वह अनहू ल तंजीलरबिलमीन नजल अबीम अला कलबी कलिमीन मुबीन अल्लाह फरमाते हैं कि ये किताब आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है जिसको ले करके हज़रत सलाम नाजिल हुए अलाकलबिका आप के दिल पर यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इस कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या है मिनल अमीनमंदरिन ताकि आप इस किताब के ज़रिए लोगों को डराने का, का काम करें मुबीन ये किताब वाज अरबी ज़बान में है अरबिक लैंग्वेज में है यह अल्लाह ने तारुफ कराया कुरानी मजीद अल्लाह रबालमीन ने हम सभी के लिए नाजिल किया इसमें खैर ही खैर है बरकत ही बरकत है ये शिफा है ये इलाज है क़र मजीद के अंदर कुल एक सौ चौदह सूरतें हैं पहली सौरा सूरतुल्फात आखिरी सौरा सूरतनास इसकी सबसे छोटी सूरह है सूरतलकवसर और इसकी सबसे बड़ी सूरा है बकरा सबसे अजीम सूरा है सूरत-ul-फातिहा जो कुरान मजीद की पहली सूरा है आइए आगाज़ करते हैं सूरत इसके अज़मत के लिए इसकी अहमियत के लिए बात काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाम अबी फ़ातब उस शख़्स की नमाज ही नहीं होती जो फातिहा ना पढ़े नमाज की हर हर रकात में इमाम हो मुख्त हो सिर्री नमाज हो जहरी नमाज हो अकेला नमाज पढ़ रहा हो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो हर हर नमाजी के लिए हर हर रकात में फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है फातिहा नमाज का एक अहम रुकन है कोई जानबूझकर छोड़ देता है तो उसकी नमाज ज़ाये हो गई उसकी नमाज अदा ही नहीं हुई सूरत फातिहा जहाँ एक तरफ़ इसकी अहमियत है वहीं इसकी फ़जीलत ये है कि सूर फातिहा के कई एक नाम हैं इसका एक नाम अर्रुकिया है इसका एक नाम अशफ़ा है यानि ये शौरा मुकम्मल बीमार दिलों के लिए बीमार इंसानों के लिए डॉक्टर है इलाज है शफा है हम अपने मरीज़ों का अपनी बीमारियों का अपने बीमारों का ज़रिए इलाज करेंगे अल्लाह इस सूर्य की बरकत से बीमार को और बीमारी को ठीक कर देगा इस सूरा के अंदर क्या है इस सूरा के अंदर बुनियादी तौर से दो अहम चीज़ें हैं बहुत सारी बातें हो सकती हैं दो अहम चीज़ें हैं एक का ताल्लुक़ अल्लाह से है दूसरे का ताल्लुक़ बंदे से है इसी को अल्लाह ने हदीस कुदसी के अंदर फरमाया कसम तो सलात बैनी वबैन अब्दी नस्फाइन मैंने सलात को यानि फातिहा को आधा आधा अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है अल्लाह का हिस्सा ईया कनाबू तक है और बंदे का हिस्सा वह ईया का नस्तीन से शुरू होकर वाली तक पहुँच जाता है इससे एक और अहम बात मालूम होती है कि हमें जब दुआ करें हम जब अल्लाह से कुछ मांगने की बारी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह करेंहमदल रबिलमी आरमीम मालिक ईया का नअबुदु ये सब अल्लाह की तारीफ़ है अल्लाह की तारीफ़ करेंगे अल्लाह खुश होगा और जब अल्लाह खुश होगा आप आगे जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आलमीन उस खुशी में आ करके आपको वो चीज़ अता कर देगा कि मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है एक और बात याद रहे जब क़ुरान मजीद की हम तिलावत करते हैं तो आऊज़बिल्लिमिनीम बिसमिल्लर से आगाज़ करते हैं सबसे पहले ताउज़ पढ़ते हैं फिर बसमला पढ़ते हैं यानि आरूज़बिल्लिमिनीम पहले बिसमिल्लर बाद में ऐसा क्यों इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी में पहले आने वाली तकलीफ़ को दूर करना ज़रूरी है फिर उसके बाद जो है आप रहमत को समेटेंगे रहमत को लेंगे इसीलिए आप जब कुरानी मजीद पढ़ने जाते हैं तो अपने आप को अल्लाह की पनाह में देते हैं मरदूद शैतान से ताकि ये आकर के हमारी तिलावत को डिस्टर्ब न करे और फिर आप बिसम्लर पढ़ करके मजीद की तिलावत करना शुरू कर देते हैं यह पहली सूरा फातिहा जिसके हवाले से चंद एक चीज़ें हमने आपके सामने रखी उसके बाद बकरा का आगाज़ होता है अल बकरा का मतलब गाय एक जानवर के नाम पर यह सूरा है क्यों इसलिए कि आगे चल कर के इस सूरा में इस जानवर का गाय का तस्करा है जो बनी इसराइल के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल वाकया बयान किया है उसी की मुनासबत से इस सूरा को बकरा कहा जाता है यह कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा है सबसे बड़ी सूरा है और सबसे ज़्यादा आयतें इसी सूरा के अंदर मौजूद हैं तकरीबन ढाई पारे में ये सूरा मुकम्मल तौर से मौजूद है फैली हुई है ये सूरा मदनी सूरा है इस सूरा के अंदर मुकम्मल दो सौ छियासी टू एटी सिक्स आयतें हैं और अल्लाह रबालमीन ने इस सूरा के अंदर बहुत सी बातों का हुक्म दिया है बहुत से अहकाम बयान किए हैं बहुत से मसाइल का तस्करा किए हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सामने वो अहकाम वो मसाइल बयान करते चले जाएंगे और इख्तिसार के साथ उसकी वजाहत भी आपके सामने करेंगे सबसे पहले सूरतुल बकरा की फजीलत जानते हुए चले प्यारे रसूल सल्ला वम ने फरमाया ला तलूब तुम मकबिर अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ यानी जैसे कब्रस्तान में नमाज़ होती है कुरान की तिलावत होती है ऐसे अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ बल्कि अपने घरों में नमाज़ अदा करते रहो कुरान मजीद पढ़ते रहो और बतौर ख़ास सूरत-ul-बकरा की तिलावत करते रहो क्यों يفر من البيت الذي तुक्र فيه ही सूरतुल्बरा क्योंकि जिस घर में बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है उस घर को अपना मस्कन और ठिकाना नहीं बनाता है बाज़ लोग ये तसवुर करते हैं घरों में कोई मसला हो चालीस दिन तक जो है बकरा पढ़ो नया घर बनाओ चालीस दिन तक बकरा पढ़ो इससे आफतें मुसीबतें नहीं आती हैं और जो आफतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं ऐसी कोई बात शरीयत इस्लामिया की तरफ से साबित नहीं है ऐसी कोई बात कुरान हदीस का हिस्सा नहीं है आगे बढ़ें अल्लाह अल्लाबालमीन ने सूरत-ul-बकरा का आगाज़ किया सबसे पहले कहा लाम, मीम। ये हरूफ़ मुकत्तात कहलाते हैं ये ऐसे अल्फ़ाज़, ऐसे हरूफ़ कुरान में कई जगह आपको सूरतों की इब्तिदा में आगाज़ में मिल जाएंगे इनका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता अल्लाह आलमु बी मुरादी ही अल्लाह इनकी मुराद इनका माना मफ़ूम इनकी मीनिंग ही जानता है उसके अलावा कोई और नहीं जानता है ये भी क़ुरान का एक मजजा है कि कुरान में कुछ ऐसे हरूफ़ हैं जिनका माना मफ़ो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता आगे बात शुरू हो रही है गुफ्तु का आगाज़ हो रहा है अल्लाह ने कहा दाली खिचाबू ला रई बफ़ी हदलमतीन किताब के बारे में अल्लाह रबालमीन तस्करा कर रहे हैं ये ऐसी किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं कोई शबा नहीं बदनसीब हैं वो लोग जो इस कुरान से अपने आप को ना जोड़ें बदनसीब हैं वो लोग जो कुरान मजीद की तिलावत ना करें ये किताब ऐसी है जिसमें कोई डाउट नहीं कोई शक नहीं किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कुरान नाजिल करने वाला अपनी जबान से कह रहा है लालिकल किताबू चाबू ला रही बाफी ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शको शुबा नहीं फिर आगे बढ़े अल्लाह रबीन ने आगे तीन टाइप के लोगों का तस्करा किया आयत नंबर तीन से लेकर के आयत नंबर बीस तक तीन तरह के लोगों का अल्लाह ने तस्करा किया सबसे पहले मुत्तकियों का यानी ईमान वालों का तस्करा किया उनकी सिफात बयान की कि ये लोग तकवा इख्तियार करते हैं कयामत पर ईमान रखते हैं गैब पर ईमान रखते हैं नमाज़ क़ायम करते हैं जक़ात देते हैं अल्लाह ने जो कुछ दिया उसमें से ख़र्च करते हैं आखिरत पर यकीन रखते हैं तो ऐसे लोगों का बदला क्या है ऐसे लोगों का मक़ाम क्या है ऐसे लोगों को क्या मिलेगा उला एक काब हि विकलम यही वो लोग हैं जो अपने रब की जानब से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं फिर अल्लाह ने दूसरे गिरोह का तस्करा किया जिन्हें कुफ़ार कहा जाता है अल्लाह ने अम लम तुंदरम ला बेशक जिन लोगों ने कुफ़्र किया आप डराएँ न डराएँ ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं और अल्लाह है ने ऐसे लोगों का अंजाम बताया वहुम अजाबन अज़ीम उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है फिर तीसरे गिरोह का तस्करा किया जो ना इधर है न इधर है जिसे मुनाफिक कहा जाता है अल्लाह ने इसका तस्करा किया और इसका अंजाम भी बताया कि ऐसे लोग यकीनी तौर से घाटा खसारा और नुकसान उठाने वाले हैं ये सुम बुकमन रुमय वाली तफसीर हैं यानी ये गुँगे हैं अंधे हैं बहरे हैं इन्हें न दिखाई देता है न सुनाई देता है न समझ में आता है इसलिए कि ना देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं उसके बाद अल्लाह रब्लम ने आयत नंबर 21 में 21 में इस कुरान मजीद का सबसे पहला ऑर्डर और, और, और हुक्म जो है नाजिल किया दिया वो क्या है या अय्युहन्नसुबुदु रब्बकुमुल लजी खलाकाकुम ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया इबादत क्यों करो लअल्कुम ततक्कुल ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों को अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया फरमाया ऐ फरमायान्ना अपने रब की इबादत करो अल्लाह ने क़ुरान में जो सबसे पहला ऑर्डर दिया है उसी की वजह से उसी मकसद के तहत अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों को पैदा भी किया जैसा कि अल्लाह ने की आयत में कहा वामा खल जन्सून मैंने जन्नतों को इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जब ये पैदा हो गए क़ुरान नाजिल होने लगा तो अल्लाह ने कहा या कहाबू ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे पैदा किए जाने का मकसद भी यही है आगे बढ़े आगे, आगे अल्लाह आलमीन ने आयत नंबर 23 में ये बात ज़िक्र की मक्का वाले कुरान के ताल्लुक से शक में मुब्तला थे कि ये कुरान गढ़ लिया गया है अपनी तरफ से बना लिया गया है, ये रब का कलाम नहीं है अल्लाह ने जवाब दिया का विनकन तुम फ़ेरा बिमा नजल्ला अला अब्दिना अगर इस किताब के बारे में जिसको हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है इसके सिलसिले में तुम्हें शक है तो जाओ इस जैसी एक सूरा बना करके ले आओ और जिसको चाहो अल्लाह को छोड़ कर बुला लो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो अल्लाह ने कहा फ़िलम तफ़ालू वलन तफ़ अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम कर भी नहीं सकते तो फत थी तो उस आग से डरो जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं वो इद्दत लिलकाफरीन और जो काफिरों के लिए तैयार कर दी गई यहाँ एक अकीदे का मसला वो ये कि जहन्नम तैयार की जा चुकी है बाद लोग जन्नत और जहन्नम का इनकार करते हैं अल्लाह है ने पास्ट का लफ्ज यूज़ किया वो इद्दत माजी का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि जहन्नम तैयार की जा चुकी है किसके लिए लिलकाफरन काफिरों के लिए आगे बढ़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल करके जन्नत का तस्करा किया है फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी अहम बात बताई फरमाया इंसानों ये कायनात अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है होल्लि खल महफिल अर्द जमे वही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम तर चीज़ों को बनाया यानी अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन की तमाम तर चीज़ों को पैदा किया है ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है लिहाजा इस एहसान और इस नमत के शुक्र के तौर पर हमें चाहिए कि हम अल्लाह हरब्आलमीन की इबादत करें आगे अल्लाह हरबालमीन ने आयत नंबर थर्टी से लेकर के थर्टी सेवन में आदम अली अलीसलातूसम की पैदाइश का उनकी तख्लीक का तस्करा किया है अल्लाह हरबालमीन ने फरिश्तों के सामने एक बात ज़िक्र की कि मैं ज़मीन में जो है अपना जानशीन अपना खलीफा बनाने वाला हूँ ये लफ्जी माना है वरना अल्लाह का कोई जानशीन नहीं है अल्लाह का कोई खलीफा नहीं ये दरअसल ज़मीन की खिलाफत की बात हो रही है कि जो जा, जा कर के ज़मीन में हुकूमत करेगा तो फ़रिश्तों ने कहा अतजालुफ़ी मयुसद फ़ीहा वयसफिकमान बे बेहमदी का वनुकदसलक अल्लाह हम तेरी तारीफ़ तेरी इबादत के लिए काफ़ी है ऐसी मखलूक़ बनाने की क्या ज़रूरत है जो जा कर के ज़मीन में फितना और फसाद मचाएगी और आपस में लोग एक दूसरे का खून बहाएंगे क्या फ़रिश्तों को ग़ैब का इल्म था नहीं अल्लाह ने बताया था क्या फरिश्तों ने अल्लाह की बात पर एतराज किया नहीं बल्कि एक सवाल किया फिर आगे अल्लाह ने क्या कहा उनको जवाब क्या दिया इन्नी मा ला जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो आगे अल्लाह जिक्र करते हैं आदम सलाम को अल्लाह ने पैदा किया उनकी तख्लीक कर दी और उनको बना दिया रूह फूंक दी और उनको हर चीज़ का इल्म सिखा दिया फिर फरिश्तों के सामने ला करके पेश किया फ़रिश्तों से कहा अम भी ओनी भी इसमायन तुम सदी पहले जो तुम कह रहे थे उन तमाम में अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में सच्चे हो साद हो तो इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ फ़रिश्तों ने माजरत कर लिया का सुबह नखलामान तना इन नंतला हकीम अल्लाह तेरी ज़ात पाक है हमें उतना ही मालूम है जितना तूने हमें सिखाया है तो अल्लाह ने कहा आदम आल सलाम से या आदम उम्बी अहम बसमा एहम ए आदम आप बताइए इन सब चीज़ों के नाम फलम अम्बा अहम बसमा एहम आदम सलाम ने बता दिया जो कुछ अल्लाह ने उनको इल्म दिया था तब अल्लाह ने कहा अकुम इन्नी आलमू गैबातीब व आलमदून मा अव माकुन तुम तक तुमोन क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि आसमान वमीन का गैब में जानता हूँ और जो कुछ तुम छुपाते हो जिसको ज़ाहिर करते हो उन सारी चीज़ों का इम है फिर अल्लाह ने आदमत वसलाम के तल्लु से हकम दिया फ़रिश्तों को कि आदम का सजदा करो ये सजद तज़ीमी था जो पहली उम्मत में जायज़ था अब ये भी जायज़ नहीं है किसी का भी सजदा आप नहीं कर सकते न उसकी इज़्ज़त में न उसके अहतराम में न उसके मकाम और मर्तबे को देख करके अब इस शरीत में सजद तज़ीमी करना भी हराम है और नाजायज़ है उसके बाद आगे अल्लाह रबालमी ने ज़िक्र किया है आदमी सलातम उनकी बीवी जन्नत में थे अब्लीस ने बहकाया और उनको वर्गलाया फसलाया और अने जो क़ानून दिया था आदमी साम को कि जन्नत में जहाँ चाहो रहो लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना और इस दरख्त का फल नहीं खाना इबलीस ने बहलाया दोनों ने उसकी बात को मान लिया और बात मान लेने के बाद उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया अल्लाह रबीन ने इसकी सजा दी और उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया लेकिन ये बात याद रहे कि इस गलती की वजह से अल्लाह ने भेजा लेकिन ने ज़मीन के लिए आदम को इंसान को पैदा ही किया था ये ग़लती असल वजह नहीं ये तो जरिया बन गया वरना ज़मीन पर भेजे जाने के लिए आदम को इंसान को पैदा ही किया गया था इसीलिए पहले अल्लाह ने क्या कहा था इन फिल फ़िलद खलीफ़ा ज़मीन में मैं खलीफा बनाने वाला हूँ ये तो एक जरिया बन गया ये ग़लती बाज़ लोग कहते हैं आदम ग़लती ना करते तो जन्नत में ही रहते गलत बात है ग़लती चाहे हुई या नहीं हुई होती आदमी सलाम को इंसान को ज़मीन पर ही आना था ज़मीन पर भेजा जाना अल्लाह रब्लमिन ने मुकद्दर किया हुआ था लेकिन आदमी को अपनी ग़लती का एहसास हुआ अल्लाह से दुआ मांगा, تغفر لنا وترحمنا لنكونن من तकफ़फिल् व ہمارے رب ہم نے اپنے हमारे रब हमने अपने ऊपर نے अगर तूने माफ़ नहीं किया रहम नहीं किया سے ہم خسارہ اور گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ نے ان سب کو زمین پر بھیج دیا कानून दिया कि जो नेक अमल करेगा हमारी बात मानेगा उसके लिए कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं लेकिन जो हमारी बातों का इनकार करेगा जुटलाएगा ऐसे लोग जहनमी हैं और जहन्नम में हमेशा हमेश रहेंगे उसके बाद अल्लाह आलमीन ने आयत नंबर फोर्टी से सेवेंटी थ्री में बनी इसराइल का तस्करा किया है ये बनी इसराइल कौन है याकूब अलीसलातूसलाम के बारह बेटे थे उन बारह बेटों से बारह कबीले बने इसराइल याकूब आल सलात सलाम का नाम था बाज लोग कहते कि लकब था बनी इसराइल यानी इसराइल के बेटे अलैहिस्सलाम के बेटे वहीं से ये सिलसिला चला अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ़ और बाद में इसी में अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी कहलाए ईसा सलाम के मानने वाले ईसाई कहलाए और बनी इसराइल उम्मत मुहम्मदिया से पहले सबसे अफज़ल बेहतरीन और बड़ी ही जो है अल्लाह के नज़दीक और करीबी कौम थी उम्मत थी महबूब उम्मत थी लेकिन इन लोगों पर अल्लाह ने इतने एहसान किए थे उसके बावजूद इस कौम ने हर जगह अल्लाह की नाफरमानी की नबियों को परेशान किया बल्कि नबियों को कत्ल भी किया अल्लाह की आयतों का निशानियों का इनकार कर दिया और अल्लाह की दी हुई किताब में तहरीफ की चेंजिंग किया और उसे मुकम्मल तौर से बदल करके रख दिया कभी माना बदला कभी अल्फाज बदले इन सारी चीज़ों का तस्करा अल्लाह ने सूरतुल्बरा की इन आयत में किया है और उसकी तफसील बयान की है साथ ही अल्लाह ने इस बात को भी जिक्र किया कि बनी इसराइल से अल्लाह ने अहदो पैमान लिया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना वालदेन के साथ उसने सलूक करना रिश्तेदारों का यतीमों का मस्किनों का ख्याल रखना लोगों से अच्छी बात करना नमाज क़ायम करना ज़क़ात देना लेकिन चंद लोगों को छोड़कर तमाम लोगों ने तमाम बनी इसराइल ने जो है अल्लाह की बात को नहीं माना इनकार कर दिया और अल्लाह से जो वादा किया था जो पैमान हुआ था उसको मुकम्मल तौर से तोड़ करके रख दिया फिर आगे अल्लाह रबालमीन मज़ीद इन लोगों के ताल्लुक से एक अजीब व गरीब बात ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िंदा रहने की हरीस को, कोई कौम है तो वो वो लोग हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वाला तजिदन हम आ रसन्ना से अः आप यहूदियों को ज़िंदा रहने का सबसे ज़्यादा हरीस पाएँगे और इन्हीं के साथ साथ मशरकिन को वमीन अश्रो अशरकु मशरकिन भी ज़िंदा रहने के सबसे ज़्यादा हरीस है यह वहद हम लव्य अमर वल्फसन इन इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि काश उन्हें एक हज़ार साल की उम्र दे दी जाए अल्लाह कहते हैं मुजरिम तो हैं ही गुनहगार हैं नाफ़रमान हैं अगर इन्हें एक हज़ार साल की उम्र भी दे दी जाए तब भी ये अल्लाह के अजाब से नजात पाने वाले नहीं है आगे अल्लाह ने हजरत सुलेमान अली हरत सलातुसम का जिक्र किया और साथ ही एक गलती का जवाब भी अल्लाह ने दिया बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुलेमान अली सलेमानलीसलातलाम जादू के बल पर लोगों पर हुकूमत कर रहे थे उनकी इतनी बड़ी बादशाहत जो फैली हुई थी वो जादू के बल पर थी अल्लाह ने कहा वमा खफ्र सलेमान सलाम ने कोई कुफ़्र नहीं किया यानी जादू कुफ़्र है और जादू सीख करके समानलातूलम ने नरोजबिल्ला ये काम किया ही नहीं यानी उन्होंने कुफ्र नहीं किया ये अल्लाह ने उनकी तरफ से जवाब दिया आगे बढ़ें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ने जिक्र किया है इसी पारे के अंदर और कहा या अय्युहल लदीना आमनू ला तकूलू राइना वकूल जुर्ना वस्मऊ वलिल काफिरीन अदाब अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालों, तुम राइना का लफ्ज मत इस्तेमाल करो ये क्यों कहा अल्लाह ने देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग मिलने के लिए आते थे सवाल करते थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल करने के लिए राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे सहाबा वगैरह लेकिन यहूदी ये बदमाश लोग जब आते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो राइना के बजाय राइना कहते थे दोनों में क्या फ़र्क़ है राइना का मतलब हमारा ख्याल करो हमारी तरफ तवज्जो करो और राइना का मतलब हमारे चरवाहे राई जल्दी से पढ़ेंगे तो माना ख्याल करना और राई या के साथ पढ़ेंगे तो माना चरवाहा हो जाता है थोड़े से ज़बान को घुमा देने की वजह से क्या हो गया माना कहीं से कहीं पहुंच गया ये बदमाशी करते थे यहूदी लोग अल्लाह ने ईमान वालों को इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से मना ही कर दिया क्या पता चला जिस लफ्ज़ की वजह से नबी की शान में गुस्ताखी होती हो हमें ऐसे अल्फाज नबी सल्ला वम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आगे अल्लाह ने यहूदियों का ईसाइयों का तस्करा किया है कि यहूदी कहते थे जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे ईसाई कहते थे जन्नत में सिर्फ ईसाई जाएंगे अल्लाह ने कहा नहीं दिल का अमानी यो ये इनके अपनी दिल की बातें हैं अपनी ख्वाहिशात हैं जो चाहा कह दिया नहीं कुल्हात बुरहानकुम इन इनकन तुम सदकिन आप कह दीजिए कि दलील ले आओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो जन्नत में कौन जाएगा जन्नत में वो जाएगा जो अल्लाह पर ईमान ले आए अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे सरेंडर कर दे और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जन्नत उसको मिलने वाली है आयत नंबर एक सौ चौदह में अल्लाह ने यह ज़िक्र किया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह की मस्जिद अल्लाह के घर में आने से लोगों को रोकते हैं अल्लाह फरमाते हैं वमन ऐसे लोगों से बड़ा जालिम कौन हो सकता है मिम्म मन जो अल्लाह की मस्जिद में आने से लोगों को रोकते हों यकीनन हमारे समाज में हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नाम पर बनाई गई मस्जिद और बनाए गए घर में आने से लोगों को रोकते हैं बाकायदा इश्तहार और बोर्ड लगा करके रखते हैं ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बड़े ालिम हैं आगे अल्लाह रब्लम ने हज़रत इब्राहीम आसमाम का तस्करा किया है उनकी खूबियाँ बयान की हैं हैंजरत इब्राहीम आसाम अल्लाह के नज़दीक इमाम थे अल्लाह ने उनको इमाम बनाया इमाम वो इन्नी जान्नासी इमामा वो इमामस हैं और इसीलिए अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया खिला और इसीलिए अल्लाह ने हज और उमरा करने वालों को इस बात का हुक्म दिया वह तख मकाम की जब तुम तवाफ कर लो तो तवाफ के साथ चक्कर मुकम्मल करने के बाद आओ और मकाम इब्राहिम के पास या उसके पीछे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ दो रकात नमाज अदा करो ये इब्राहीम सलात सलाम का मकाम है ये मकाम क्यों मिला क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तोहद को अपनी जिंदगी में बाकी रखा उसी पर बरकरार रहे लोगों को इस जानब बुलाया अकेले मशरक के सामने डट गए इस का रास्ता इख्तियार किया अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया यहाँ तक कि अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपने बेटे इसमाही सलात को भी ज़बहर करने के लिए तैयार हो गए और इसलिए क्योंकि दोबारा से खान काबा की तमीर अल्लाह के घर की तामीर, ने किया और बाप और बेटे जब घर की तमीर कर रहे थे एक सबक देते हैं हमें अल्लाह रब्लम वो सबक ये कि जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करो उसके बाद इतराना नहीं उसके बाद जो है अपने आप को गुरूर में मुबतला न कर लेना बल्कि उस नेक अमल के कबूल होने के लिए अल्लाह रबालमीन से दुआ करना जैसे इब्राहिम ने जैसे इस्माइल ने बाप और बेटे अलहम सलातलाम ने अल्लाह से खाने क़बा की तमीर करते हुए दुआ किया रब्बना तकब्बल मन्ना इन्ना का अन तस्मलीम ए हमारे रब हमारी तरफ़ से इस काम को कबूल कर ले बेश तो सुनने वाला जानने वाला है अल्लाह ने उनकी तरफ से इस काम को कबूल किया और रहती दुनिया तक के लिए उनके इस अमल को जिंदा और जावेद कर दिया आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तस्करा किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपने बेटों को इस बात की वसीयत की या बनी इनकुमद्दीन क्या मेरे बच्चों अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को दीन इस्लाम को पसंद कर लिया लिहाजा ख्याल रखो فلا تموتن الا وانتم مسلمون کہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان رہو اسلام کی حالت میں تمہاری وفات ہو تمہارا انتقال ہو ہمیں بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے اور آگے اللہ نے یہ کہا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے ایمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہونا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ तदो अगर साहबा के जैसा ईमान हो जाए तो हिदायत मिल जाएगी यकीनी तौर से सहाबा एक राम रौदी अल्लाह अजमाइन हिदायत पर थे और इस पारे के अख़ीर अख़ीर में अल्लाह रब्लमीन ने एक ही आयत दो मरतबा ज़िक्र किया है अलग अलग जो है जगहों पर वो आयत क्या है तिल का उम्मन क़द खलत ल्हा मा कसबत वोलाम मै कसब तुम वाला तस्लो कानूम अमलो बहुत से लोग कहते हैं हमारे अब्बा ऐसे थे हमारे परदादा ऐसे थे हमारे दादा ने ये काम किया हमारे बाबा ने वो काम किया पिद्रम सुल्तान बुद्ध हम फला जो है जो है फला कबीले से फला जमात से फला पार्टी से ताल्लुक रखते हैं अल्लाह ने कहा अल्लाह के यहाँ पार्टियाँ नहीं देखी जाती अल्लाह के यहाँ तल्लुक़ नहीं देखे जाते बल्कि वो लोग आए गुजर गए दुनिया में आए चले गए उन्होंने जो अमल किया उसका बदला उनको मिलेगा वलकुम माकसब तुम तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे अमल का बदला तुम्हें दिया जाएगा वला तलून अम्मा कानू मलून पहले के लोग क्या करते थे बकिया लोग क्या कर रहे हैं उस बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा अपना अमल देखो अपनी जिंदगी देखो अपनी जिंदगी का मुहासबा करो कि दुनिया में क्या किया है और दुनिया से क्या करके जाने वाले हो तो ये चंद बातें थीं जो पारा नंबर एक के ख़ुलासे के तौर पर और इन शॉर्ट आपके सामने खुलासे ए तरावी के नाम से ये मुकम्मल चीज़ें बयान की गई अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सभी को क़ुरान पढ़ने उसकी तिलावत करने उसका माना मफहूम समझने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आगे भी इन श्ल्ला हम ऐसे ही हर हर पारे का खुलासा लेकर आप के आपके सामने हाज़िर होंगे अल्लाह हरबालमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को क़रिने मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन, वाला नबीकरीम वालकम वर्का